जाएंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने इस तरह का काम किया। अरे भाई, बड़े भाई को काफ़ी इज्जत करते थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रामविलास पासवान जी का। इस परिवार में चार भाई में हैं, तीन भाई में अपना एक प्रतिष्ठा और इज्जत था। उनका मीनिंगे क्या है, मतलब है क्या है? एक सांसद अपने खुद हैं वो, मेरे पास 5 MP है। तो क्या चिराग जी NDA का नहीं है? नहीं नहीं है NDA गठबंधन के पार्टी। नीतीश जी भी बोल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं, भाजपा अध्यक्ष बोल चुके हैं कि वो NDA में नहीं है। ये निर्णय मुख्यमंत्री लेता है? अरे भाई, संगठन का लोग लेगा ना, जायसवाल साहब लिए ना कि NDA का पार्ट मेरा नहीं है, वो चिराग जी की पार्टी, पार्वती जी का पार्टी है, तभी ना मंत्री बना है। बोला जाता कि अभी NDA में है, NDA का नहीं नहीं नहीं। अब कोई बोलते रहे, हम बोल दें कि नहीं द्रौपदी मुर्मू साहब राष्ट्रपति कैंडिडेट नहीं है, हम है कैंडिडेट। ये बोलने का मुंह है, चमड़े का मुंह है, जिसको जो मन में है बोल रहा है, नहीं है। माननीय चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, ये सब लोग जानता है, मैं भी बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चिराग जी के रहते रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर का सेहरा अपने बेटा या पत्नी को ना पहना के हमारे जो भारत सरकार के मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी हैं उनको पहनाया था। तो असली बारिश उनके दिल में आत्मा में कौन समझा गया था, पशुपति कुमार पारस या चिराग पासवान, आप बताइए। जब हम आपको पहले ही कह दिया कि असली लोक जनशक्ति पार्टी हम हैं, इसमें ताकत की क्या लड़ाई है भाई, इसमें ताकत की क्या लड़ाई है? हम तो खुल के बोल रहे हैं कि आज आप लोग अपने आंखों से देख रहे हैं यहाँ का भीड़, यहाँ का काम करने का तरीका, पब्लिक को जिस तरह से आ रहे हैं, हैं काफ़ी भावुक होकर के फूल चढ़ा रहे हैं, अपने नेता से मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। तो जो प्रतिमा लग रही है उसमें आप क्या कहेंगे? मतलब प्रतिमा लगने के बारे में आपको हमारे दल के प्रधान महासचिव केशव सिंह जी ने कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वो विवादित जमीन है, अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, वहाँ पर प्रतिमा आप लगा दिए हैं। ये तो वही हाल हुआ जैसे दिल्ली में लगा दिए थे 12 जनपद में, वैसे ही हाजीपुर में भी लगा दिए। अरे भाई, आप मांगते ना परमिशन, लेते ना सरकार से। लोग तो यही कह रहे हैं कि परमिशन है ये नहीं है, कौन विभाग का जमीन है, बिना बिहार सरकार से परमिशन लिए हुए आप किसी का मूर्ति लगा दीजिएगा, ये लगा दीजिएगा, तो वो तो विवाद उसमें से हुआ। साहब, जो हमारे पार्टी के फाउंडर हैं उनका जयंती मनाया जाएगा। जो जयंती समारोह में आप देख रहे हैं कि यहाँ इतनी अनएक्सपेक्टेड भीड़, जो कि रामविलास पासवान साहब के स्नेह और शुभचिंतक प्यार पाने वाले लोग थे, आज इतना भीड़ यहाँ पर हो गया कि देख लीजिए कि दरिद्र भोज जहाँ हो रहा है या उस चढ़ाने का काम हो रहा है, वहाँ जगह किसी को नहीं है, गर्मी इसी तरह से काफ़ी तेज चल रहा है। तो ये आज स्पष्ट जाहिर कर दिया कि असली लोक जनशक्ति पार्टी वो पारस जी की पार्टी है, असली लोक जनशक्ति पार्टी, और बाकी कोई पार्टी का नाम या किसी व्यक्ति का नाम लेकर के अगर पार्लर कोई खड़ा किए हुए हैं तो उनकी क्या कार्यकलाप, क्या आज शैली रही है काम करने की, कितने लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये भी आप लोग को पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए आज तो ये सिद्ध कर दिया और कि पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है वही असली लोक जनशक्ति पार्टी है। अब आगे बताइए आप। आपको